नमस्कार, जीरो से जीनियस तक की इस न्यू खूबसूरत हिस्ट्री वीडियो क्विज टेस्ट में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री के सबसे चर्चित 12 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे, साथ में डिटेल्स भी दिए जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए जीके पावर लेकर के आए हैं, जिसे यदि आप देखते हैं तो आपका नॉलेज और भी तगड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा, यानी कि बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। सवाल क्लियर है आपको? आंसर सोचने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। इनके बारे में दिया गया है, थोड़ा सा देख लो। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। इसने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा था और विजय रहा। 1540 ईस्वी में इन्होंने बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा और विजय रहा। और शेरशाह सूरी दिल्ली के राजगद्दी पे भी बैठा था 1540 से 1545 ईस्वी तक। अच्छे सवाल हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, काफी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर टू, यदि आपको अच्छा लग रहा है तब। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह। इस संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपना 4 लाख हूण वाले 23 किले मुगलों को सौंपना पड़ा तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने के लिए वचन भी देना पड़ा। इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम में फंसकर यह संधि कर ले लेना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? वैसे तो ये करंट का सवाल है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट लगा है इसलिए हमने इंक्लूड कर लिया। आपको भी आंसर पता होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसके सैनी। ओके, वर्तमान सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं और उप सेना प्रमुख एसके सैनी हैं। और देश का पहला सीडीएस ऑफिसर कौन है जी? बिपिन रावत जी। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सवाल में नो डाउट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी विरोध किया था बंगाल विभाजन 1905 के। ओके, और देख लो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इनके क्वेश्चन हट और भी अच्छे हैं। बंगाल विभाजन का दिन यानी कि 16 अक्टूबर 1905 समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। तो यहां से पूछता है कि राखी बांधने की ये जो था क्या था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में राखी बांधने की कार्यक्रम 16 अक्टूबर 1905 को चला था, ऐसा सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, वैदिक साहित्य की बात हो रही है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। ओके, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी बड़ा महत्व है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद में, इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जॉन सैंडर्स को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को किसने गोलियों से मारा था? क्या बात है, हमारे शेर, हमारे राजा,
आपको आंसर सोचना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह जी। ओके, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया था और उनकी मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। देखो इन्होंने फ्रेंडशिप कितना अच्छा निभाया था, क्यों छोड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7, सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के नेता थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान बारदौली की महिलाओं ने सरदार कहकर पुकारा था, एवं बाद में गांधी जी ने उन्हें सरदार की पदवी उन्हें दे दिया। ओके, तो अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस कुप्रथा को समाप्त करने में भी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ पे आपका सवाल था गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल की बात करिएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक के थ्रू हमने करा है, चाणक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। इनके कारनामे को देख लेते हैं, इसने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था तथा सैकड़ों राजाओं को परास्त कर परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे परास्त किया था, तो इसको भी कौन हरवाया था, सॉरी पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे परास्त किया था, बाद में पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। क्वेश्चन नंबर 11, तो एक पे एक हैं, नहले पे दहले। कैलाश का प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलोरा। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। महाराष्ट्र, ये कहाँ है जी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सभी आत्माओं का दिन एक डैश का त्यौहार है, बताओ जी किनका त्यौहार है। हम इंडियन हैं, हम सभी धर्मों के बारे में जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईसाइयों, और रिस्पेक्ट भी करते हैं। ईसाइयों का एक त्यौहार है, इसे वफादार मृतक की याद और स्मरणों उत्सव का दिन भी कहा जाता है, याद करने का दिन भी कहा जाता है। आपके लिए स्पेशल है जी, इसमें बस आप थोड़ा सा मन में सोच लो, यदि आपका लह गया आपका तुक्का मारिए, मन में सोचिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था जी, आंसर सोचिए, सोच लिए कब हुआ था। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था, आंसर सोचिए। राइट आंसर होगा 1858 में। क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट
कब आया था? राइट आंसर होगा 1861 में। ओके, नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह कब हुआ था जी? तो 1872 में। कूका विद्रोह कब हुआ था? 1872 में। आगे है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो आपको आंसर बताना होगा 1875 में। बहुत अच्छे जी हैं, आपके बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, इसे रेगुलर आप देखिए, आपके लिए फायदेमंद है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था जी? आपको तो पता है, राहुल गांधी की पार्टी, 1885 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ओके, आगे है, विश्व की प्रमुख नदियां, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नदियों का गुण। विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी? विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। और एक सवाल और, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र। आपके पिछले प्रश्न का आंसर आप जान लीजिए, आपसे एक सवाल पूछे गए थे, इसका आंसर आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। जिन्होंने कमेंट करके बताया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? यही सवाल ना था, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 अगस्त को वे स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यदि आपने राइट आंसर दिया था तो भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ये आपके लिए सवाल है। यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू, और इसके राइट आंसर। वीडियो के सभी प्रश्न और जो बनाए गए हैं ये भी, यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, और हमें वीडियो को लाइक भी चाहिए ताकि पता चले कि क्या आपको इससे कुछ प्रभावित हैं, क्या आपके योग्य है। तो बस सिलेक्शन आपको करना है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, कोचिंग स्कूल ट्यूशन सेल्फ स्टडी के साथ साथ हमारे साथ रेगुलर रहिए, आपके नॉलेज बढ़ जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।